बेतिया गुंगी रोशनी कुमारी की हत्या के मामले में दिव्यांग संघ द्वारा तीसरे दिन भी धरना जारी। भाइयों बहनों, बहुत ही दुखद घटना। जैसे कि आपको शायद पता हो कि नरकटियागंज अनुमंडल के परिसर में एक दिव्यांग गुंगी कुमारी रोशनी की हत्या कर दी है, और ऐसे अन्याय के खिलाफ दिव्यांग संघ द्वारा धरना जारी है, जो 2 दिन के बाद तीसरे दिन भी जारी है। हमें न्याय जरूर मिलना चाहिए। बेतिया नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण्य, इसमें पिछले 2 दिनों से दिव्यांग संघ द्वारा ये धरना दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि गुंगी कुमारी रोशनी की हत्या के खिलाफ उनकी मांग यह है कि दिव्यांग आप पार्टी माले पार्टी काफ़ी संख्या में दिव्यांग जन धरने पर इसलिए बैठे हैं, और जबकि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता राजू वर्मा और अपने प्रियकारों के साथ दिव्यांग सन धरना स्थल पर पहुंचकर गुंगी रोशनी की हत्या की गिरफ्तारी और फांसी तक पहुंचाने की मांग को लेकर अड़े हैं। दिव्यांगों पर अन्याय करने वाले तथा उनका जीने का अधिकार छीनने वाले उनकी हत्या करने वाले हत्यारों को फांसी तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा। ये काम स्वयं हो जाना चाहिए, मगर मांग करने पर धरना देने पर भी सरकार शायद कुछ करने की इच्छा नहीं है। महिला मोर्च के जिला अध्यक्ष जूही यास्मीन, बीजेपी नेत्री माला देवी, बीजेपी नेत्री गीता देवी आदि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी धरने पर बैठी है। आगे कार्रवाई नहीं होने पर इसके बाद अनशन तक धरना देने की बात कही है। जबकि दिव्यांग संघ प्रवक्ता राजनाथ पुरी, माली पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार मियां, माली पार्टी के मीडिया प्रभारी वासीर खान, प्रदेश से आए दिव्यांग संघ के प्रदेश महासचिव कुंदन कुमारी, पूनम कुमारी, अध्यक्ष मुकेश कुमारी, काफ़ी संख्या में दिव्यांग और राजनेता धरने में शामिल है। भाइयों बहनों, एक महिला और एक दिव्यांग गुंगी महिला की हुई हत्या के खिलाफ हम सभी को आवाज़ उठाना चाहिए। हम सभी इसका निषेध करते हैं, इसका धिक्कार करते हैं और मांग करते हैं कि हर हत्यारों को जल्द गिरफ्तार और फांसी तक पहुंचाना जाना चाहिए। धन्यवाद।